Hello dear student, welcome back to Mathsci Educator. So today आज हम मतलब study क्या करने वाले हैं. So आज का हमारा topic जो है वो did women have a revolutions. हम quickly थोड़ा recap कर लेते हैं कि हमने last video में क्या study किया था. तो last video में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा story वाला जो portion है वो complete हो जाता है. अब यहाँ से हमें तीन different topic जो थोड़े separate से वो study करने हैं. तो लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था डायरेक्टरी रूल्स के बारे में, ठीक है. जेकोबियन क्लब के लॉ सुलझाने के बाद उसका पावर जो है वो आ जाता है डायरेक्टरी क्लब डायरेक्टरी रूल के पास, ठीक है. नाउ डायरेक्टरी रूल्स में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट्स वाई जो पावर होता है वो चला जाता है बोनापार्ट के पास. सो यहाँ पे हमें स्टडी करना है बेसिकली डिड वुमन हैव अ रिवोल्यूशन, कि वुमन जो है उसने रिवोल्यूशन किया था, रिवोल्यूशन में उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसका क्या आउटब्रेक हुआ, इट मींस आफ्टर क्या रिजल्ट मिला वुमन लोगों को, यही यहाँ पे हमने बेसिकली स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुमन हैज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. हमें पता ही है कि जब मैन घर पे नहीं होता था, मतलब जब वो नेशनल असेंबली बनाने में बिजी था, या फिर जब मैन सेक्शन जो था उसने पूरा अपने आप को आर्मी में एनरोल कर लिया था, जब पुरुषिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच पुरुषिया एंड ऑस्ट्रिया उसके सामने जब लड़ने वाले थे, तब पूरे मैन सेक्शन ने क्या किया था, अपने आप को आर्मी में एनरोल कर लिया था. तो वुमन जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट थी ही, ठीक है ना, क्योंकि मैन जब घर में नहीं होते तब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है वुमन पे. तो वुमन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. सो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद उसकी कुछ एक्सेप्टेशन होती है कि हमें भी कुछ मिलेगा आफ्टर द रिवोल्यूशन, जब ये पूरा फ्रांस अब रिपब्लिक बनने जा रहा है तो हमें भी कुछ फ्रीडम मिलेगी, हमें भी कुछ फ्रीडम चाहिए, ये उन लोगों की एक्सेप्टेशन थी. बट यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों की एक्सेप्टेशन फुलफिल नहीं होती है. इट मीन्स कि वुमन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है. वुमन वर्क फॉर अ लिविंग. जनरली जो थर्ड एस्टेट के, और वो भी जो थर्ड एस्टेट में जो लेवल कैटेगरी में पीपल आते थे, जो लेस प्रॉस्परियस पीपल थे, उसकी जो वुमेन होती थी उन लोगों को वर्क करना पड़ता था. और वो भी कैसा वर्क करना पड़ता था, जनरली कि फ्लावर्स सोल्ड करना होता है, या फिर किसी के जो प्रॉस्परियस फैमिली होती है उसकी वुमेन के साथ उनको घर पे उसकी हेल्प का काम करना पड़ता है. ये सारा काम उन लोगों को करना पड़ता है. थर्ड एस्टेट्स के लेस प्रॉस्परियस पीपल के जो वुमेन होती थी उन लोगों को, एंड वो सारे पीपल जो थी वो थर्ड एस्टेट्स के पीपल ये सारे काम करती भी थी, एंड हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन. वो वर्क भी करती थी. यहाँ पे थर्ड एस्टेट्स के जो लोअर कैटेगरी के पीपल थे, लेस प्रॉस्परियस पीपल थे, उन लोगों की जो डॉटर होती थी या फिर फीमेल सेक्शन बोल लो आप, तो उनको एजुकेशन का मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो कैपेबल ही नहीं होते थे एजुकेशन के लिए. सो यहाँ पे क्या होता था कि जो मिडिल क्लास की फैमिली और रिच फैमिली है उसकी डॉटर और फीमेल सेक्शन को स्टडी करने का मौका मिलता था क्योंकि बिकॉज वो लोग कैपेबल थे स्टडी करने के लिए, तो वो लोग स्टडी करते थे. बट थर्ड एस्टेट के लोअर कैटेगरी के पीपल वुमेन जो थे वो सब कुछ ऐसा वर्क भी कर रही थी और उन लोगों को एजुकेशन भी नहीं मिल रहा था. एंड उन लोगों को एजुकेशन तो नहीं मिल रहा था, वो सारी पीपल ये वर्क तो कर रही थी, और उसके बावजूद भी उन लोगों को क्या करना पड़ता था, लुक आफ्टर फैमिली, मतलब फैमिली को ही देखना है, बस घर पे रहो, घर का काम करो, घर के बच्चों को देखो, बस यही काम करना पड़ता है उन लोगों को. मतलब घर के चार दीवार के बाहर उन लोगों को जाना भी नहीं मिलता था. इट मीन्स उसको बस काम ही करना होता है, यही था उन लोगों को एक प्रेशर दिया जाता था उस टाइम पे. एंड वेजेस वर लो. ये सब कुछ करने के बावजूद भी उन लोगों का जो वेजेस होता है वो बहुत लो होता है. सो यहाँ पे वुमन जो थी थर्ड एस्टेट्स की लोअर कैटेगरी की वुमन जो थी, लेस प्रोसेस कैटेगरी की जो वुमन थी, वो बहुत डिससेटिस्फाइड थी इन सब चीज़ों से, बिकॉज उन लोगों को भी कुछ एक्सेप्टेशन होती है. सो यहाँ पे क्या होता है कि जब जैकोबियन क्लब बना तब सारे पीपल क्या कर रहे थे, थर्ड एस्टेट्स के लोअर कैटेगरी, हमें पता ही है कि जैकोबियन क्लब जो है वो थर्ड एस्टेट के लोअर कैटेगरी के पीपल ने ही बनाया था. तो यहाँ पे जब लोअर कैटेगरी के मैन जब क्लब बना रहे थे तब वुमेन को भी परमिशन मिली थी, तब वुमेन भी क्लब बना रही थी, तो उन लोगों ने उसके खुद पॉलिटिकल क्लब बनाए थे, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब. ये दोनों क्लब जो थे वो वुमेन के प्रोमिनेंट क्लब थे और उस टाइम पे वुमेन ने ये दोनों क्लब बनाए थे. बट उसके बावजूद भी उसकी लोगों की एक्सेप्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं होती है. सो यहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया रिवोल्यूशन में, और ना ही तो उन लोगों की कोई भी एक बात को मंजूर है, मतलब उनको
थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं मिल रही है। अब उसको फ्रीडम मिलती कब है, जब नेशनल असेंबली के बाद, जब नेशनल असेंबली बनी उसके बाद जब रिपब्लिकन टाइम आया तब उन लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम मिली थी। तो ये थोड़ी सी फ्रीडम क्या थी वो अब हम देखेंगे कि वुमन को कौन कौन सी ऐसी थोड़ी सी फ्रीडम मिली थी। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा कि वुमेन जो थे उसने दो क्लब बनाए थे, रिवोल्यूशनरी क्लब एंड रिपब्लिकन क्लब, और उन लोगों की यहाँ पे एक्सेप्टेशन थी कि उन लोगों को भी एक इक्वल लेवल पे लाके खड़ा रहे, मतलब इक्वल लेवल उनको, उनमें भी इक्वल लेवल आ जाए, तो उन लोगों को ये रिलीफ मिलता क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको पता होता है तो 1791 में नेशनल असेंबली ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे, तब उन लोगों ने इसी तरह से डिक्लेयर किया था कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहाँ पे वुमन को इंक्लूड ही नहीं किया था। सो ऑल वुमन आर वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ दिस, कौन वुमन जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी, बिकॉज उन लोगों ने इसी तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, सॉरी मैन एंड सिटीजन, सो यहाँ पे वुमन का कोई इंक्लूड ही नहीं किया है, इसलिए वो सारी क्या थी, बहुत डिसअपॉइंटेड थी। सो जब उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बट ये रिलीफ कब मिलता है, उनको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, कब मिलती है, जब ये रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड चल रहा था। तो रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड कौन सा है, जब आपको पता हो तो ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया के अगेंस्ट जब नेशनल असेंबली की फाइट होने वाली थी, वो जो टाइम था वो रिवोल्यूशनरी टाइम था, और उस टाइम पे वो रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी उन लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम देती है। तो वो क्या थी, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, इट मींस स्टेट्स में एक स्कूल बनाई गई एंड कंपलसरी स्कूलिंग ऑल डॉटर्स एंड, हम बोले तो फीमेल सेक्शंस, कि फीमेल सेक्शन में जितनी भी वुमेन्स हैं उन सब लोगों को कंपलसरी क्या दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल और स्कूल्स भी बनाई जाएंगी। यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि सारी की सारी जो फीमेल है उनको क्या मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ वुमेन वेलफेयर के प्रोग्राम भी हो रहे हैं, कब, जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी तब। They could not be forced to marry against their wish. पहले क्या होता था कि उन लोगों को उसकी विश के अगेंस्ट भी शादी हो जाती थी, अगर उसकी कोई मर्जी नहीं है फिर भी उनको जो उसके फादर बोलते हैं उसके उस लड़के के साथ उसको शादी करनी पड़ती, बट यहाँ पे उन लोगों को ये फ्रीडम मिलता है कि वो उसके अगेंस्ट के विश के लड़के के साथ, इट मीन्स अगर उसको जिसके साथ शादी करनी है उसके साथ ही वो शादी कर सकती है, अगेंस्ट देयर विश वो शादी नहीं करेगी, मतलब ये उसको फ्रीडम मिली थी। मतलब हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पर लव मैरिज क्या हुई थी, अलाउ हुई थी। फिर डिवोर्स वॉज मेड लीगल, शादी के बाद भी जब अगर उसका हस्बैंड उसे परेशान कर रहा है कोई वुमन को, अगर उसको डिवोर्स लेना है तो वो जनरली अपने हिसाब से डिवोर्स नहीं ले सकती थी, अगर उसको उसका रिकॉग्नाइजेशन बताना है तो उसको मैन की हेल्प लेनी पड़ती थी, इट मीन्स मैन को सब्जेक्ट बनाना पड़ता था और मैन चाहेगा तो ही उसको डिवोर्स मिल सकता है, ऐसी कंडीशन थी। बट उस कंडीशन में भी उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि डिवोर्स वॉज मेड लीगल, डिवोर्स सिस्टम में अगर वुमेन डिवोर्स लेना चाहती तो वो भी डिवोर्स दे सकती है। एंड देवर अलाउड टू ट्रेन ऑफ जॉब, बिकम आर्टिस्ट और सम स्मॉल बिजनेस, मतलब उन लोगों को अलाउ किया गया था किसके लिए, ट्रेन फॉर जॉब, छोटी सी अगर कोई जॉब है अगर उसको आर्टिशियन बनना है तो वो इस जॉब के लिए उन लोगों को अलाउ किया गया था, वो खुद ट्रेन होके एक जॉब भी कर सकती थी एंड सम स्मॉल बिजनेस, एंड स्मॉल बिजनेस भी वो कर सकती थी। तो ये सारे रिलीफ मिले थे उनको कब, जब रिवोल्यूशनरी टाइम आया था तब। सो ये रिवोल्यूशनरी टाइम कौन सा है वो भी मैंने आपको बताया कि रिवोल्यूशनरी टाइम इट मीन्स जब फाइट हो रही थी नेशनल असेंबली अगेंस्ट द किंग, बोले तो भी चलेगा क्योंकि किंग के साथ ही पुरुषिया और ऑस्ट्रिया दोनों कनेक्टेड थे, तो उसके साथ जो उसकी फाइट हो रही थी तब ये सारे रिलीफ मिले थे। किसको ये सारे रिलीफ मिले थे, वुमेन को। बट अब क्या होगा, ये सारे रिलीफ भी उसको थोड़े टाइम पहले के लिए ही मिले थे, मतलब हम बोल सके कि जब रिवोल्यूशनरी टाइम चल रहा था तब तक ये रिलीफ उनके लिए लिमिट थे। फिर आफ्टर द नेशनल असेंबली के बाद जब पावर आ जाता है जैकोबियन क्लब के पास, मतलब जो टाइम ऑफ जो रेन ऑफ टेरर का टाइम था उस टाइम पे ये सारे रिलीफ जो थे वो उनके पास से ले, मतलब रिस्टोर किए जाते, ये सारे फ्रीडम उसको फिर से नहीं मिलती है। तो कौन से टाइम पे, जब रेन ऑफ टेरर का टाइम था तब उनके पास से ये सारे के सारे जो उनको रिलीफ मिले थे वो ले लिए जाते हैं। सो उसको ये सो वुमन को जो सारे रिलीफ मिलती है वो कब मिलते हैं, जब रिवोल्यूशनरी टाइम था तब। अब ये सिचुएशन जो है ना वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर कुछ चेंज हो जाती है। उस टाइम पे हमें पता है कि जो रोबस वायर मैक्सिमिलियन था वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा था सब पे, तो उस टाइम पे ये सारे जो उसको रिलीफ मिले, जो भी फ्रीडम मिले उसके पास से रिस्टोर की जाती है, इट मीन्स उसको ये सारी फ्रीडम अब नहीं दी जा सकती है। तो
एट द एंड क्या होता है, इन फ्रांस इन द 1946 में एट द एंड वुमन ने बहुत स्ट्रगल की, उसकी जो जर्नी थी स्ट्रगल करने की वो बहुत लंबी तक रही, लंबे समय तक टिकी रही, और इन द 1946 में उसको एट द एंड क्या मिला, वोटिंग का राइट मिला। मतलब इक्वालिटी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आई, आप इमेजिन कर सकते हो 1789 से ये स्टार्ट हुआ था और ये है 1946, तो बहुत सारे ईयर तक पीपल जो थे, वुमन जो थी उसने स्ट्रगल किया अपने के लिए, मतलब अपने आप को एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए। एंड 1946 में फ्रांस में क्या मिला, वुमन को वोटिंग राइट मिल गया। सो ये जो सिचुएशन थी रेन ऑफ टेरर के बाद, उन लोगों को फाइनली क्या मिल गया था, वोटिंग का राइट मिल गया था। नाउ आपकी बुक में एक नीचे ब्लू बॉक्स दिया है, उसके बारे में अगर हम देखें तो ओलंपिया डा गोजियस, तो यहाँ पे ये जो वुमन है ना, वो उसने आवाज़ उठाई थी वो थर्ड एस्टेट्स के पीपल के लिए, और अगर हम बोले कि सारी वुमेन के लिए, बेसिकली वुमन को उन सब लोगों ने पैसिव सिटीजन में डाल दिया था, इट मीन्स दे वर नॉट एंटाइटल टू वोट, वो वोट देने के लिए क्या नहीं थे, उस वो लोग मतलब वोट नहीं दे सकते थे। तो जब जाके ये जो ओलंपिया डी गोजियस है, उनने आवाज़ उठाई थी और उसने क्या अपने बिहाव पे लिखा था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। मतलब पहले क्या हुआ था कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, बट उसने खुद ने अपने बिहाव पे लिखा था वुमेन एंड सिटीजन्स के फ्रीडम के बारे में। सो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है, डिड वुमन हैव अ रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्लेवरी के बारे में, स्लेवरी किस तरह से फ्रांस में कंप्लीट हुई, और मतलब अबोलिश किस तरह से हुई फ्रांस में स्लेवरी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो कंप्लीट होता है। हमने इस वीडियो में क्या देखा कि किस तरह से वुमेन जो है वो स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को इक्वल लेवल पे लाने के लिए, बाद में रिवोल्यूशनरी टाइम पे उन लोगों को कुछ रिलीफ मिलता है, वो कौन कौन से रिलीफ थे इसके बारे में हमने स्टडी किया, और इसके बाद जब ये टाइम आ जाता है रेन ऑफ टेरर का, इट मीन्स रोबेसपियर मैक्सिमिलियन का जब टाइम आ जाता है, तब ये सारे जो फ्रीडम है वो उनसे छीन जाते हैं। फिर एट द एंड फ्रांस में इन द 1946 में वुमन को वोटिंग की परमिशन मिल जाती है। एंड ओलंपिया डी गोजियस जो बहुत एक इंपॉर्टेंट वुमेन थी, किसके लिए, कि उन लोगों को उसने आवाज़ उठाई थी इसके लिए। सो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करने हैं कि इंडिया में वुमन को वोटिंग राइट कब मिला, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है जिसमें फर्स्ट वुमन को वोटिंग राइट मिला था। तो ये दो चीज़ों जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट एज सून एज पॉसिबल विथ अवर सेकेंड टॉपिक, बट टिल टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।